सुशांत केस में महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस शुरू से ही सीरियस नहीं है। महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस इस केस को शुरू से दबाने की पूरी कोशिश कर रही थी। यहाँ तक कि 65 दिनों की जांच में भी वो सुशांत केस में कोई ऐसा सबूत नहीं ढूंढ पाए जिससे वो ये साबित कर सके कि सुशांत को इस रास्ते से हटाया गया है। बस महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस इस कोशिश में थी कि इस केस को कैसे बंद किया जाए, और अगर मुंबई पुलिस का बस चलता तो वो इस केस को शुरुआत के कुछ दिनों में ही इसे बंद कर देती। लेकिन सुशांत केस में अचानक उस समय मोड़ आया जब सुशांत के पिता ने रिया के खिलाफ पटना में FIR की, और इस FIR के दर्ज होते ही बिहार पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और वो तुरंत मुंबई पहुंची और इस केस की छानबीन करनी शुरू कर दी। ये देख मुंबई पुलिस पूरी तरीके से बौखला गई और उल्टे सीधे कदम उठाने लगी, जिसका परिणाम ये निकला कि उनकी हलचल ने पूरे देश के साथ साथ विदेश में भी काफी बेइज्जती करवाई। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मुंबई पुलिस को फटकार लगाई थी। उसके बावजूद भी ना तो महाराष्ट्र सरकार और ना मुंबई पुलिस सुधरने की तैयार है, पर सुधरने का नाम ले रही है और वो बराबर इस केस की आरोपी रिया चक्रवर्ती के आगे पीछे घूमती नजर आ रही है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? मुंबई पुलिस अभी भी इतनी बेइज्जत होने के बाद भी ऐसा क्यों कर रही है? क्या उसे अभी भी उम्मीद है कि वो मुख्य आरोपी जो इस केस में शामिल है उसे बचा लेगी? पर शायद उनकी ये मुराद कभी पूरी नहीं हो सकेगी, क्योंकि इस केस की तहकीकात मुंबई पुलिस नहीं कर रही है बल्कि CBI, ED और नारकोटिक्स विभाग कर रहे हैं, जो कि देश की बहुत बड़ी और सम्मानीय संस्था है जिस पर इस समय पूरे भारत का भरोसा है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ये ख्वाब देखना छोड़ दें कि वो रिया के आगे पीछे घूमकर सुशांत केस के पीछे छुपे बड़े बड़े आरोपियों को बचा लेगी। अब उनकी एक कोशिश बेकार जाएगी और महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस अपनी और ज्यादा बेइज्जती ना करवाए और शांति से सुधर जाए।